हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और जैसा कि आप जानते हो, मैं अपनी नानी जी के घर आई हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे भागवत चल रही है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी नानी की पूरी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ और दिखाती हूँ कि मेरे कौन कौन से मामा जी हैं, मौसी लोग हैं। तो एक ये ब्लॉग ना मेरे लिए भी बहुत मेमोरेबल हो जाएगा कि मैं पूरी फैमिली को एक साथ एक बारी एक बैठ के देख पाऊँगी जब बाद में मैं इस ब्लॉग को देखूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी नानी नाना जी से मिलवाती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरे नाना नानी जी। नानी जी आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, राधे राधे। नाना जी अभी राधे राधे कर दीजिए। राधे राधे। हाँ, ये सब परिवार है, वैसे तो भगवान की देन है लेकिन निमित्त हमारे है, सब परिवार है। बेटे बहू, ये हमारे नातिन है, नातिन के भी बच्चा है, सब दामाद बेटी सब पूरा परिवार बुला रखा है। यहाँ पर भगवान की भागवत कथा हो रही है इसीलिए सब परिवार को इकट्ठा कर रखा है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की कृपा है ना, ऊपर वाले की कृपा है, बस उसी ने ये परिवार दिया है। नानी जी आप सबको आशीर्वाद दीजिए। ये परिवार हमारे निमित्त किया है, हम भी भगवान पालन पोषण कर रहा निमित्त हमारे। नानी जी आप सबको आशीर्वाद भी दे दीजिए। आप सब खुश रहिए भगवान की कृपा से, सब अच्छे रहिए, आपका आशीर्वाद हमको मिले, हमारा आपको मिले। आप मेरी नानी जी को ध्यान से देख लीजिए, मेरी मम्मी बिल्कुल मेरी नानी जी जैसी दिखती है ना। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि नानी जी जैसी दिखती है या नाना जी जैसी दिखती हैं। ये मेरी प्यारी सी नानी जी है। तो अब मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को अपने बड़े मामा मामी जी से। मामा जी नमस्ते करिए। नमस्ते प्रिया जी, नमस्ते। ये हमारे सबसे बड़ी भांजी है, यूएस से आई है, इससे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। मामा जी कुछ बचपन की बातें बताएं आप। बचपन की बात यह है कि एक बार जो है वो प्रिया ने जो है ट्रेन का इंजन चला के देखा, नहीं चलता। हाँ, हमारे बेटे के साथ प्रिया की और मतलब बहुत ही प्यार है दोनों बच्चों में। प्यारे मामी जी, बचपन का बताओ। बचपन में दोनों बच्चे बहुत मतलब झगड़ा होता था दोनों का और उसके बाद मैत्री हो जाती थी। अब प्यार हो गया है बचपन में। सासू माँ है, हमको कहती थी तुम 15 दिन अपने मैके चले जाओ तो ये आराम से रह लेंगे। हम मामी जी, हम लोग भाई के जब टॉयज लेते थे तो भाई तो हमसे बहुत लड़ाई करता था। हाँ। बट मामी जी हमें चुपके से जब वो सो जाता था तो टॉयज कहती थी जाओ अपनी अटैची में रख के आ जाओ, अपने घर ले जाना। हमको अपने मैके जाना पड़ता था लड़ाई झगड़े की वजह से। चलो बढ़िया है, मैके भी जाना पड़ता है, ससुराल भी जाना पड़ता है और उसके बाद सारे काम निपटाने पड़ते हैं। चलिए मामा जी, बाय कर दीजिए सबको। बाय बाय सभी लोगों को, बाय। सब लोग प्रसन्न रहे, मस्त रहे। अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपने मामा जी के बेटे और बहू से। हाय, ये हमारी सबसे बड़ी भाभी है, हमारी जनरेशन की सबसे पहली भाभी यही थी और हमने इनकी शादी में बहुत इंजॉय किया था। और हाँ, इन्हीं की शादी में मुझे अंशुल मिले थे। देख लो, मेरी शादी थी तो मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी जितनी ये एक्साइटेड थी मेरी शादी। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस बंदर की शादी में। भाई अपनी शक्ल दिखाई। और ये हमारी प्यारी सी भाभी, प्यारी सी नदन मेरी। और ये देखो मेरे भाई की बेटी, कितनी क्यूट सी डॉटर है ये। ये हमारी एक भतीजी है। हाय हाय, बोलो बहू। अपना नेम बता दो, व्हाट इज योर नेम? रिदम पंचल। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपने मामा जी नंबर 2 से। ये मेरे मामा जी नंबर 2 हैं, मामी जी और इनके 2 बेटे हैं। मामी जी कुछ बोलिए। हेलो, ये हमारी प्यारी सी भान जी है, सुंदर सी, एक्स्ट्रा टैलेंटेड। हम इसको बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। मामी जी शादी से पहले कैसी थी कुछ बताइए बचपन के बारे में। मामा जी आप बताइए। बहुत आलसी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी थी शादी के पहले। बच्चे कितनी जल्दी कितने बड़े हो जाते हैं। मुझे याद है जब ये छोटी सी थी पर मैं दिल्ली इसके लिए इसका चूचक लेके गया था और आज ये इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई कि हम लोगों से इतनी दूर चली गई है, साल में 1-2 बार मुश्किल से सिर्फ मुलाकात हो पाती है। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहती थी कि ये वाले मेरे मामा जी हैं जिन्होंने मेरा रिश्ता इनिशिएट किया था अंशुल के साथ। तेरे को लकी तो बनाया कम से कम। यस, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब जानते ही हैं। थैंक यू। अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपने सबसे प्रिय 3rd नंबर वाले मामा जी से।
मामा जी, मामी जी और उनका बेटा, उनकी बेटी भी है, बड़ी है वो, आप मेरे कजन्स मीटअप वाले ब्लॉग में आप देख सकते हैं, वो आई थी मुझसे दिल्ली में मिलने, वो दिल्ली में पढ़ती है, बहुत इंटेलिजेंट है, गार्गी कॉलेज में पढ़ती है। तो मामा जी आप मेरे बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बेटा तुम्हारे बारे में क्या कहें, तुम तो हमारा सम्मान हो, हमारा गौरव हो, तुमको ऐसी भांजी तो भाई सबको मिले, ईश्वर सबको दे भाई, इससे तो बेटा क्या कहें तुम्हारे बारे में। आज हमारे यहाँ भागवत कथा चल रही है और हमारी बेटी इतनी दूर से हमारे पास आई है, इससे तो खुशी की बात हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत खुश है हम आज की, आज हमारी बेटी हमारे पास है और हम इसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, और इतनी इंटेलिजेंट और इतनी क्यूट, इतनी प्यारी, इतनी बिटिया है हमारी कि हम बता नहीं सकते। प्लीज़ सब इसको लाइक करें, इसको सब बहुत 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 पसंद करें। और मैं मामी जी का भी आउटफिट अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए मेरी मामी जी कितनी सुंदर सजी हुई है, एकदम प्यारी सी ब्राइड लग रही है मामी जी। ये सब रुक्मणी विवाह के लिए तैयार हो ना? और मेरी मामी जी को बहुत अच्छा मेकअप करना आता है, ये देखिए खुद ही तैयार हुई है मामी जी। एक बार अपना गजरा भी दिखा दो, ये देखो मामी जी का गजरा। अब बारी है आप लोगों को मिलवाने की मेरे सबसे छोटे और सबसे लंबे मामा जी से, और ये है मेरे मामा जी, मामी जी, उनका बेटा, बड़ा वाला बेटा लखनऊ में पढ़ता है तो वो नहीं है मामी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। इसका नाम वेदांत है, मामी जी अपना नाम बताइए। निधि। माय नेम इज संजय। और आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे बारे में, कुछ बताना? आई लव यू। आई लव यू प्रिया। आई लव यू सो मच। राधे राधे। और मेरी मामी जी बहुत ब्यूटीफुल, इनका आउटफिट मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो इन्होंने बहुत ही सुंदर लहंगा पहना है रुक्मणी विवाह के लिए, और देख लीजिए पास से देख लीजिए मेरी मामी जी कितनी सुंदर है, और मेरे मामा जी बहुत लंबे हैं। कितने लंबे? इतने लंबे हैं। और ये छोटा सा उनका बेटा बहुत क्यूट है, इसकी दोस्ती मेरे बेटे से हो गई है, तो वो खूब खेल रहा है इसके साथ, और इसकी रैगिंग हम बहुत करते हैं, मामा जी चढ़ाते हैं इसको बोल बोल के। बाय कर दो, बाय बाय बाय। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपनी बड़ी मौसी से, ये मेरी मौसी हैं जो लखनऊ में रहती हैं, और ये उनका सेकंड नंबर का बेटा है, बड़ी Hello. बेटी है जिसे आप व्लॉग्स में मिल चुके हो, और छोटा बेटा सार्थक है जिसे आप मेरे कजन्स वाले व्लॉग में देख सकते हो, मैं वो कजन्स वाला व्लॉग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी। तो मौसी बताओ आपको कैसा लगता है मुझसे मिलके, कैसा लगा? आप सभी से नमस्ते, मेरी ये मेरी बेटी है प्रिया, मुझसे 2 साल में मिलनी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है तो मेरे पास ही रह रही है, अब तो ये अपने ससुराल जा रही है। ये मेरी मौसी की शक्ल मेरी मम्मी से मिलती है ना, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वाली मौसी मुझे, ना मुझे बिल्कुल पसंद आया मिलना इनसे। बहुत कंजूस हैं। इनके जेब में 2800 रुपए तो मुझे मिले नहीं वो अभी तक। मैं देने की कोशिश कर रही हूँ बट ये निकम्मा भाई ले नहीं रहा है, तो और कंजूस भी बोल रहा है, तो मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे इससे मिलकर बहुत खुशी हुई है मेरा भांजा। और फ्रेंड्स मैं आपसे बहुत सॉरी बोलती हूँ, मैंने अपनी छोटी मौसी के साथ ऐसा व्लॉग छोटा सा नहीं बनाया, बट डेफिनेटली उनकी क्लिप इस वीडियो में ज़रूर डालूंगी। तो ये देखिए, ये है मेरी ब्यूटीफुल छोटी सी मौसी। हाय। ये मेरी मम्मी की सबसे छोटी बहन है, राइट मौसी? हाँ राइट। मेरी छोटी मौसी के पास तो इतने सारे किस्से थे हम लोगों के बचपन के सुनाने के, क्योंकि क्या होता था ना कि जब मम्मी हमें लेकर आती थी नानी के घर, उस टाइम हमारी छोटी मौसी अनमैरिड थी और वो हमें बहुत रखती थी, लाइक मेरे को और भैया को तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खिलाया है, तो उनके पास तो ढेरों किस्से हैं हम लोगों के बचपन से रिलेटेड। बट मैं इतना ज़्यादा वहाँ पर इन्वॉल्व हो गई थी कि बिल्कुल शूट करना भूल गई। एक्चुअली आप देखेंगे भी इस वीडियो में कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस में लोगों की क्लिप्स ली हैं, क्योंकि कोई कभी अवेलेबल कोई कभी अवेलेबल था, तो जो भी जिस टाइम अवेलेबल था मैं उस टाइम पे उनकी क्लिप्स ले रही थी। और दोनों मौसी जो है वो मेरी लास्ट में बची थी, तो मैंने सोचा था कि लास्ट डे में दोनों मौसी का मॉर्निंग में ही क्लिप बना लूंगी, बट मैं बिल्कुल लास्ट डे भूल ही गई कि मुझे मौसी का क्लिप लेना है। और छोटी मौसी मेरी हल्द्वानी में रहती है नैनीताल के पास, तो वो निकल गई, और जब वो निकल गई तब भी मुझे याद नहीं आया, अदरवाइज़ मैं अगर वो मतलब होती या आसपास होती तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके उन्हें बुला के फिर से मैं क्लिप शूट कर लेती। बट मुझे याद कब आया, जब हम लोग लखनऊ के लिए निकल गए, आधा रास्ता हम लोग आ चुके थे सिधौली में, जब हम लोग बैठे थे चाट खाने, तब मुझे ध्यान आया कि मेरी दोनों मौसी की क्लिप्स नहीं हुई हैं। तो फिर फटाफट से मैंने जो मेरी लखनऊ वाली मौसी है तो वो तो मेरे साथ ही थी, तो उनकी क्लिप ले ली, और छोटी मौसी छूट गई, बट कोई बात नहीं,
मैं छोटी मौसी से फिर कभी आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। इस ट्रिप पे तो अब नहीं उनसे मिलना होगा, बट डेफिनेटली कभी फिर आऊंगी तो ज़रूर मिलवाऊंगी। वैसे मैंने उनकी वीडियो क्लिप डाली है, आप देख ही सकते हैं मेरी छोटी मौसी भी कितनी ब्यूटीफुल हैं, और मेरे लखनऊ वाले मौसा जी भी रह गए हैं, तो अगर मेरी उनसे मुलाकात होती है इस ट्रिप के दौरान, वैसे वो आएंगे ज़रूर जब मैं दिल्ली जाऊँगी, तो मेरी ट्रेन है तो उस दिन शायद वो रेलवे स्टेशन आएंगे, तो मैं डेफिनेटली किसी ना किसी ब्लॉग में उनसे आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। और मेरे जो हल्द्वानी वाले मौसा जी हैं उनको भी मैं एक क्लिप में ज़रूर दिखाऊंगी और मेंशन करूंगी कि ये मेरे मौसा जी हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स में आप मेरी पूरी फैमिली को देख लेंगे, बट इस इंट्रो में मेरी छोटी मौसी मिस हो गई हैं। आई एम सो सैड अबाउट इट, बट इट्स ओके, इट्स फाइन मौसी, आई एम सॉरी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बिल्कुल भूल गई कि आपके साथ ये छोटी सी क्लिप मुझे बनानी है, एंड आई नो आपने क्या सोच रखा था मेरे बारे में बोलने का, बिकॉज आपके पास तो ढेरों स्टोरीज हैं हमारे बचपन की, बट कोई बात नहीं। एंड इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ आपको ये मेरा फैमिली ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको मेरी नानी की फैमिली से मिलके अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अभी बहुत ही अमेजिंग इंडिया सीरीज़ चल रही है, बस मेरी आधी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, आई वुड से आधी बची हैं, और फिर उसके बाद मैं शिकागो वापस चली जाऊँगी और फिर वहाँ के ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी जैसे कि शेयर करती आई हूँ आज तक। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस जर्नी को ज्वाइन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बिकम द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। फिर से मिलेंगे एक और अमेजिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए। आई लव यू ऑल, बाय।